हरे कृष्णा। संपूर्ण वर्ष में किए गए सभी आध्यात्मिक कार्यों का पुण्य फल अगर कोई एक मास प्रदान कर सकता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रिय कार्तिक मास। और इसी कार्तिक मास की कथा महात्म्य श्रृंखला में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान की प्रिया तुलसी देवी की सुंदर लीला कथाएं। तो चलिए आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने, उनके ऊपर अहेतु की कृपा की वर्षा करने के लिए सर्वाधिक दयालु अवतार में प्रकट होते हैं, और वो अवतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वे इस युग के प्रमुख धर्म की शिक्षा अपने आचरण द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सभी शास्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र के मुख्य प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती तुलसी देवी के सामने हरि नाम का संख्या पूर्वक उच्चारण करने की प्रमुख शिक्षा की स्थापना करते हैं और अपने आचरण द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि श्रीमती तुलसी महारानी वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली हैं। और इस प्रकार भगवान स्वयं अपनी प्रिया तुलसी की महिमा का गुणगान करते हैं। तुलसी देवी के पास बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से साधक तीव्रता से अपने भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकता है, और यही आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। इस प्रसंग में वे स्वयं कहते हैं, आपनी आचारी भक्ति शिखाई मु सबारे। वे मात्र श्री कृष्ण नाम उच्चारण संकीर्तन की शिक्षा देकर शांत नहीं हो जाते, अपितु साधकों के लिए अपने निजी जीवन के आचरण द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि निजी आचरण किए बिना जीवों को भजन साधना की शिक्षा देना व्यर्थ है। केवल मौखिक उपदेश प्रदान करके भगवत भजन की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। मात्र मुख से भगवत भजन का उपदेश देकर या फिर उसे सुनकर कलयुग के बद्ध जीव वास्तविक रूप में कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो सकते, और इसीलिए श्री चैतन्य देव कहते हैं, आपनी आचारी भक्ति करिल प्रचार, यानी भक्ति भाव से भक्ति के अंगों का पालन करके स्वयं प्रचार करना चाहिए। उपदेश प्रदान करके अगर स्वयं उस शिक्षा का पालन करने से उसकी दृढ़ता स्थापित हो जाती है तो ऐसे ही प्रचार किया जा सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि हमें किस भावना के साथ श्रीमती तुलसी देवी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की तुलसी निष्ठा का वर्णन करते हुए श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत में लिखते हैं, तुलसी भक्ति ये बेशुना मन दिया, ये रूपे कैले न लीला तुलसी लैया। एक अक्षुद्र भांडे दिव्य मृतिका पुरिया, तुलसी देखे न से घटे आरोपिया। प्रभु बोले मोई तुलसी रे ना देखीले, भालो नाही वासो ये न मत्स्य बिने जले। जबे चले संख्या नाम करिया ग्रहणा, तुलसी लैया अग्रे चले एक जाना। पथे चले न प्रभु तुलसी देखिया, बहे आनंद धारा सर्वांग बहिया। इसका अर्थ है, तुलसी को लेकर प्रभु ने जिस प्रकार लीला की है, अब एकाग्र चित्त होकर उसका श्रवण कीजिए। उन्होंने एक क्षुद्र भांड यानी कि छोटे मिट्टी के घड़े में दिव्य मृतिका भरकर उसमें तुलसी रोपण किया, और फिर प्रभु तुलसी का दर्शन किया करते थे। वे कहते थे कि बिना तुलसी दर्शन के मैं बिना जल की मछली की भांति हो जाता हूँ। जब जब प्रभु संख्या नाम ग्रहण करते हुए मार्ग पर चलते तो एक व्यक्ति तुलसी देवी को लेकर प्रभु के आगे आगे चला करता था, और उसके बाद तुलसी का दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु चला करते थे। प्रभु का संपूर्ण श्री अंग आनंद धाराओं में बहा करता था। संख्या नाम लेते समय प्रभु जिस स्थान पर बैठते थे वहाँ वे अपने पास ही तुलसी देवी को रखते थे। तुलसी दर्शन पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या नाम जप किया करते थे, और इस भक्ति योग का तत्व और कौन समझने में समर्थ होगा।
और अपने उस संख्या नाम को संपूर्ण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तुलसी देवी को अपने साथ ही लेकर जाया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा प्रदान की है, उसी शिक्षा को जो स्वीकार करता है वही भगवान के द्वारा रक्षा प्राप्त करता है और उसी मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा भी प्राप्त होती है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या पूर्वक नाम ग्रहण करते हुए भक्ति रस का आस्वादन कर रहे थे और इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, आपनी आस्वादी भक्ति करिला प्रकाश। इस प्रकार महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते हुए इस जड़ जगत के जीवों को उनकी शिक्षा प्रदान करते थे। वे प्रतिदिन नवद्वीप में निवास करते हुए तुलसी सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते। महाप्रभु प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान करके वापस लौटते और चरण प्रक्षालन करने के उपरांत विष्णु पूजा में निमग्न हो जाते। उसके बाद वे तुलसी महारानी का दर्शन, प्रणाम, अभिषेक, पूजा, परिक्रमा और स्तुति करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। भोजन करते समय वे तुलसी युक्त नैवेद्य ही बड़े आनंद पूर्वक स्वीकार करते। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर इस विषय में लिखते हैं, करी बहुविध क्रीड़ा जानवीर जले गृह आइले न गौर चंद्र कुतुहले यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजन तुलसी रे जल दिया करी न भोजन। अर्थात श्री गौरचंद्र गंगा के जल में आनंद पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ा करके वापस आते और घर पहुंचकर यथाविधि श्री विष्णु का पूजन करके तुलसी में जल देते और उसके बाद भोजन करते। कुछ समय गंगा जल में विहार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु घर आकर श्री विष्णु पूजन करते और फिर तुलसी देवी में जल अर्पण करके उनकी प्रदक्षिणा करके हरी हरी ये बोलते हुए भोजन बैठ कर खाते। श्री चैतन्य महाप्रभु जड़ जगत के जीवों को भक्ति पथ का अनुसरण करने वाले साधकों के लिए अपने खुद के आचरण द्वारा तुलसी सेवा की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, मद भक्त्या पूजा भ्याधिका, यानी कि मेरी आराधना से भी सर्वोत्कृष्ट पूजा मेरे भक्त की है। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, अमर भक्तेर पूजा महते बड़ो एत सिद्धांत गीता भागवत कैले द्रोढ़, यानी मेरे भक्त की पूजा मुझसे बढ़कर है और यही सिद्धांत गीता और श्रीमद् भागवतम में दृढ़ता से स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्रीमती तुलसी देवी परम भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट और परम प्रिय भक्त हैं। जो भी बद्ध जीव इस तुलसी देवी के संपर्क में आता है उसका जीवन उसी क्षण पवित्र और शुद्ध बन जाता है। शास्त्रों में हमें ऐसे अनेक उदाहरण और ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर हम तुलसी सेवा के प्रति अपनी आसक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। और इस कार्तिक मास में हमने ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं सुनी जिसमें तुलसी देवी के मात्र स्पर्श से, मात्र उनके दर्शन से व्यक्ति इस भौतिक जगत से पार हो जाता है। तो आइए इस कार्तिक मास के अंतिम दिनों में हम अधिक से अधिक तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, उनकी प्रार्थना और अर्चना करते हैं और उनसे एक ही कामना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा चंद्रदेव की है जो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में। अभी तक हमने श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से वर्णित सूर्य वंश का वर्णन सुना और अब हम बात करेंगे चंद्र वंश की। लेकिन आखिर चंद्रदेव का जन्म कैसे हुआ? तो गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकलने वाले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने एक मानस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था ऋषि अत्रि। एक समय अत्रि ऋषि के नेत्रों से हर्ष के अश्रु गिरने लगे। ये अश्रु शीतल थे और इन अश्रुओं का स्वीकार किया उनकी पत्नी अनसुया ने। इस प्रकार अत्रि ऋषि के हर्षपूर्ण अश्रुओं को पीकर देवी अनसुया गर्भवती हुई और उससे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि इस बालक का जन्म हर्ष रूपी शीतल अश्रुओं से हुआ था इसलिए ब्रह्मा जी ने इस बालक को नाम दिया सोम, जिसे हम चंद्रदेव के नाम से भी जानते हैं।
सोम अपनी शीतल किरणों से सबको सुख प्रदान करने वाले देवता हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मणों, औषधियों, जड़ी बूटियों तथा ग्रह नक्षत्रों का स्वामी नियुक्त किया। अब देखिए, धीरे धीरे चंद्रदेव अपनी प्रतिभा, तेज और शक्ति के कारण तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करने लगे। इन सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ करना आरम्भ किया। परंतु आप तो जानते ही हैं कि इस भौतिक जगत को नियंत्रण में रखने वाली माया देवी कितनी प्रभावशाली हैं और उनसे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो मनुष्य हो या फिर देवी देवता। तो बस चंद्रदेव भी अपनी बढ़ती हुई प्रसिद्धि के कारण धीरे धीरे अहंकार से वशीभूत होने लगे। उन्हें अपनी शक्ति और सत्ता पर गर्व होने लगा। उनका यह अभिमान इतना बढ़ गया कि एक समय उन्होंने ना करने योग्य कार्य कर दिया, और वो कार्य था देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण। देवगुरु बृहस्पति ने चंद्रदेव को अपनी पत्नी लौटा देने के लिए अनेक बार निवेदन किया, लेकिन गर्व से चूर चंद्रदेव ने उनकी एक बात ना सुनी। अब देखिए, कहते हैं ना कि जो शत्रु का शत्रु होता है वो हमारा मित्र बन जाता है। तो बस इसी सिद्धांत को अपनाया असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने, और बृहस्पति और चंद्रदेव के इस विवाद में उन्होंने चंद्रदेव का पक्ष लिया, क्योंकि देवताओं और गुरु बृहस्पति के प्रति उनकी स्वाभाविक शत्रुता है। इस कारण सभी असुर भी चंद्रदेव के साथ मिल गए, और अंत में वही हुआ जो होता आया है। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर महासंग्राम हो गया। देवताओं के प्रति भगवान शिव स्वाभाविक रूप से स्नेहवश थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का साथ दिया, और सभी असुरों ने चंद्रदेव का साथ देते हुए उनके पक्ष से युद्ध किया। आखिर सभी देवतागण अपने गुरु की दुहाई देते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत करवाया। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि चंद्रदेव ने ऐसा निकृष्ट कृत्य किया है, तो उन्होंने चंद्रदेव की अच्छी खासी डांट फटकार लगाई। जब देवताओं और असुरों के बीच ब्रह्मा जी ने मध्यस्थी की तो युद्ध तो रुक गया, लेकिन अभी एक और आश्चर्यजनक प्रसंग होना बाकी था। जब देवी तारा को उसके पति बृहस्पति के पास वापस भेजा गया तो पता चला कि देवी तारा गर्भवती है। ये जानकर गुरु बृहस्पति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को क्रोध युक्त शब्दों में कहा, अरे मूर्ख स्त्री, तूने मेरे सेवा किसी और से गर्भाधान स्वीकार किया है। यदि तू चाहती है कि मैं इस अपराध के लिए तुझे क्षमा कर दूं, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसी क्षण इस बालक को जन्म दो, अन्यथा मैं इसी क्षण तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तूने एक जघन्य अपराध किया है, लेकिन क्योंकि तेरे अंदर संतान प्राप्ति की इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन इसी क्षण इस बालक को जन्म दो। इस प्रकार अपने पति के क्रोध को देखकर तारा अत्यंत लज्जित हो गई और उसने उसी क्षण बालक को जन्म दिया। ये बालक अत्यंत सुंदर और स्वर्णिम कांति से युक्त था, लेकिन अब एक और समस्या आ गई, और वो ये कि आखिर ये बालक किसका पुत्र था, सोमदेव का या फिर बृहस्पति का। दोनों ही इस बालक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। स्थिति को देखकर वहां उपस्थित सभी देवताओं ने तारा से निवेदन किया कि वो ही आखिर इस सत्य को उजागर करें कि आखिर ये बालक किसका पुत्र है। परंतु अत्यधिक लज्जित होने के कारण तारा सबके सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। जब तारा ने कुछ भी नहीं कहा तो उस समय जन्मा हुआ वो बालक अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपनी माँ से कहा, अरे व्यभिचारिणी स्त्री, तुम्हारे इस दिखावटी लज्जा का क्या लाभ, अपनी भूल का स्वीकार करो और इसी क्षण मेरे पिता का नाम बताओ। स्थिति को संभालने के लिए फिर एक बार ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया। वे तारा को एकांत स्थान में ले गए और उससे इस बालक के पिता के विषय में पूछने लगे। उस समय तारा ने बहुत धीमे स्वर में ब्रह्मा जी से कहा कि ये चंद्रदेव सोम का पुत्र है। आखिर इस समस्या का भी समाधान आ गया और चंद्रदेव ने उस बालक को अपने आधिपत्य में ले लिया। यह बालक अत्यंत बुद्धिमान था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया बुध। चंद्रदेव ने अत्यंत आनंद पूर्वक इस बालक का लालन पालन किया और बड़ा होकर वह एक ग्रह का स्वामी बना, जिसे हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे चलकर बुध ने इला नामक स्त्री से विवाह किया, और ये वही इला है जिसके विषय में हमने अधिक मास कथा के 14वें अध्याय में आपको एक सुंदर कथा सुनाई थी, जिसमें राजा सुद्युम्न एक महीने के लिए स्त्री बन जाते थे और एक महीने के लिए पुरुष। अगर ये कथा आपने नहीं सुनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जाकर देख सकते हैं। बुध और इला के विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था पुरुरवा।
अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये कथा अपने मित्रों और परिवार को शेयर कर दीजिए, और इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इन सभी कथाओं का और अन्य व्रत और त्योहारों की हम जानकारी रेगुलर अपडेट्स के माध्यम से देते रहते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, इस कार्तिक मास के पवित्र समय में भगवान को प्रिय ऐसे सारे आध्यात्मिक कार्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं, और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का अधिकार प्रदान करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो ये तुमार शरण लो तरवांछ पूर्ण हो कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी मोर ए कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का, और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति
तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।